उनको कोऑर्डिनेट करेंगे अगर कोई क्राइम होने जा रहा है सपोज कहीं पे भीड़ इकट्ठा हो रही है कहीं पे भीड़ कुछ हंगामा करने जा रही है और हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आती है तो पब्लिक डोमेन में उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर सर्किल ऑफिसर का नंबर पुलिस इंस्पेक्टर का नंबर एसपी का नंबर हम पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे उनको कॉल करेंगे उनको प्रेशर बिल्डअप करेंगे जर्नलिस्ट के द्वारा उन पर प्रेशर बिल्डअप करेंगे कि किसी तरह से पुलिस वहां पहुंचे और इस घटना को होने से रोके और घटना अगर हो जाती है तो हमारी टीम वहां पर एफआईआर कराने में मदद करेगी स्टेट और नेशनल मीडिया के क्राइम की इंटेंसिटी को देखते हुए मीडिया बस क्रिएट करेगी और उसके साथ साथ लीगल परसुएशन ट्रायल कोर्ट से लेके एफआईआर कराने से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम विक्टिम की मदद करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि इस टोल फ्री नंबर से जो देश में नफरती हमलों का माहौल बना हुआ है जो मॉब लिंचिंग का माहौल बना हुआ है इसके रोकने में हमारी ये कोशिश कामयाब होगी और ये पैनल आपको बड़ा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं जो लगातार इन मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस और जिन इंडिविजुअल्स का नाम लिया मैंने कोई सुप्रीम कोई लॉयर अगर है तो वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स का पिटिशनर है रिप्रेजेंट कर रहा है विक्टिम की फैमिलीज को कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं मॉब लिंचिंग में लगातार स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इसलिए पैनल बड़ा है थोड़ा लेकिन ये वन बाय वन थोड़ी देर में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जो आपके सवाल जवाब होंगे वो दिए जाएंगे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फादर माइकल विलियम्स यूनाइटेड क्रिश्चियन